गुड आफ्टरनून बेटा। कल हमने हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय। तो कल हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन किया था। आज हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर, यूरोप के जो डिफरेंट कंट्रीज़ थे उनके अंदर ये नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो पहुँची कैसे थी। तो जो देखो, आप जो है प्रीवियस क्लास के अंदर नाइन्थ में पढ़ के आए हो फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था, ठीक है। जो लिबर्टी इक्वालिटी के जो आइडियाज़ थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही निकलकर यूरोप के दूसरे भागों में फैले थे। तो आज जो है सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, यानी फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार। आइडिया मीन्स थॉट, विचार, नेशन, देश या राष्ट्र, ठीक है बेटा। तो द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। यानी नेशनलिज्म की जो पहली, जो सबसे पहली क्लियर एक्सप्रेशन था वो फ्रांस की क्रांति से आया था। और फ्रांस की क्रांति जो है वो कब हुई थी बेटा, 1789 में। यानी राष्ट्रवाद की पहली क्लियर एक्सप्रेशन, यानी बिल्कुल पहला जो विचार था वो फ्रांस की क्रांति से 1789 में आया था, ठीक है। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक, चेंजेस यानी बदलाव, दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि फ्रांस की क्रांति से ही आए थे। वेकअप ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्ची टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। यानी कि फ्रांस की क्रांति के द्वारा जो मोनार्ची से सॉवरेनिटी के अंदर जो परिवर्तन हुआ था, जो कि फ्रांस के नागरिकों के अंदर के कारण हुआ था, उससे ये सामाजिक और ये संवैधानिक बदलाव शामिल हुए थे। यानी फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे ये सॉवरेनिटी जो है, सॉवरेनिटी मतलब सबका जो साथ होता है, वो राजतंत्र से निकलकर, राजतंत्र मतलब मोनार्ची सिस्टम से निकलकर जो फ्रेंच सिटीजन्स थे उनके समूह में ट्रांसफ़र हो गई थी। यानी अब जो मोनार्ची सिस्टम था ना वो ख़त्म हो गया था और जो पावर थी वो फ्रेंच सिटीजन्स के ग्रुप के अंदर आ गई थी, क्योंकि वही लोग पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ला रहे थे और उन्हीं का ग्रुप बना था जिन्होंने फ्रांस के अंदर मोनार्ची सिस्टम को ख़त्म करके एक तरह से डेमोक्रेटिक जो सिस्टम था उसकी शुरुआत हुई थी। द आइडिया ऑफ ला पेट्रे द फादरलैंड एंड ली सिटोयान द सिटीजन इम्फेसाइज द नोशन ऑफ ए यूनिटी कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। आइडिया ऑफ ला पैटर्निटी, ला पैट्री का मतलब होता है बेटा पितृ भूमि, यानी पिता की भूमि, एंड ली सिटोयन, ली सिटोयन का मतलब है नागरिक। ये वो विचार थे, इम्फेसाइज द नोशन ऑफ ए यूनिटी कम्युनिटी, यानी इन्होंने एक ऐसे विचारों पर बल दिया जो संयुक्त समुदाय के विचार होते थे, ठीक है। यूनाइटेड मतलब सभी के, कम्युनिटी मतलब संविधान के, समुदाय के। तो पितृभूमि और जो नागरिक जैसे विचार थे, इन्होंने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया इंजॉइंग, जिसमें इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें संविधान के अंतर्गत सभी को समान अधिकार प्राप्त थे। यानी ऐसा नहीं था कि आम नागरिक को कुछ अलग हो, मेन व्यक्ति जो हो फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट से उनको अलग हो, तो ऐसा नहीं था। ये ऐसे विचार आए थे जिसमें संविधान के अंतर्गत आने वाले हर एक व्यक्ति को बराबर का राइट मिले। स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, जो स्टेट जनरल जो था उसको एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा चुना जाता था, एंड रीनेम द नेशनल असेंबली, और जिसका जो नाम बदल कर क्या कर दिया गया था बेटा, नेशनल असेंबली रख दिया गया था। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वर एबोलिश, इंटरनल कस्टम ड्यूटी, इंटरनल होता है बेटा जो देश के अंदर ही जो व्यापार होता है, ठीक है। तो आंतरिक जो आयात और निर्यात हो रहे थे, जो ट्रेड हो रहा था, चीज़ों का लेन देन हो रहा था, उसको समाप्त कर दिया गया। एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वॉज अडॉप्टेड, और वेट मतलब भार मापना, जो वेट होता है 1 किलो 2 किलो, एंड मेज़र, मेज़र मतलब मापना, उसकी
एक समान प्रणाली यूनिफॉर्म सिस्टम होते हैं हर जगह पर इक्वल, तो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वॉज अडॉप्टेड, यानी कि आयात निर्यात शुल्क जो थे वो ख़त्म कर दिए गए और भार और मापने की जो है एक जैसी प्रणाली जो वो पूरे फ्रांस के अंदर लागू की गई। इसके अलावा द रिवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर, इसके अलावा जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ये भी घोषणा की दैट इट वॉज द मिशन, कि ये वो मिशन है एंड द डेंसिटी ऑफ फ्रेंच नेशन, और फ्रांस की देश का ये भाग्य है टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिपोटिज्म, यानी कि जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ये घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और यह लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए, लिबर्टी द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के शासकों यूरोप के लोगों को मुक्त कराए फ्रॉम डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म क्या होता है बेटा? निरंकुश शासक। निरंकुश का मतलब है जो केवल अपनी मनमर्जी चलाते हैं, जो केवल खुद के अकॉर्डिंग ही सारा काम करते हैं, ठीक है। तो द स्टूडेंट एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब, जो कि आपके छात्र थे और जो शिक्षित वर्ग था, एजुकेटेड जो मिडिल क्लास थी, उन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना करना शुरू कर दिया। देखो जैकोबिन क्लब की स्थापना करना क्यों शुरू किया, क्योंकि फ्रांस के अंदर सबसे फेमस ग्रुप कौन सा था? जैकोबिन क्लब ही था ना। तो स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब, तो छात्रों जो शिक्षित एजुकेटेड पढ़ा लिखा वर्ग था उन्होंने जैकोबिन क्लब एस्टैब्लिश करने स्टार्ट कर दिए। देयर एक्टिविटीज़, उनकी क्रियाएँ एंड कैंपेन प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मी विच मूव्ड इन टू हॉलैंड बेल्जियम स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s। अब जो इनके ये जैकोबिन क्लब थे, इनकी क्रियाएँ और जो इनकी कैंपेन थी, उन्होंने वो फ्रेंच आर्मी तैयार की, वो फ्रेंच आर्मी का रास्ता तैयार किया जिसने हॉलैंड बेल्जियम स्विट्ज़रलैंड और जो इटली के बड़े इलाकों के अंदर तक गई, ठीक है। दीज फ्रेंच आर्मीज़ बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड, ये जो फ्रांसीसी जो आर्मी थी, जो फ्रांस की ये सेनाएं थी, ये नेशनलिज्म के व्यूज़ को, नेशनलिज्म के आइडिया को विदेशों तक लेके गई। अब्रोड होता है विदेश, नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, आइडिया विचार कैरी लेके गई, ये जो फ्रेंच आर्मी थी ये नेशनलिज्म के आइडिया को विदेशों तक लेके गई, ठीक है। थ्रू ए रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड, नेपोलियन मतलब फ्रांस में जब राजतंत्र वापस आया तो नेपोलियन ने क्या किया था? नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस, तो नेपोलियन ने वहाँ पे प्रजातंत्र को ख़त्म कर दिया था, ठीक है। देखो लोग जो थे वो उसको लिबरेटर मान रहे थे नेपोलियन जब आया था, लेकिन जल्दी ही क्या हुआ था कि नेपोलियन ने भी अपनी ही चलानी शुरू कर दी थी। लेकिन इसके अलावा फिर क्या हुआ था कि इन फ्रांस बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एफिशिएंट, यानी कि जो प्रशासनिक क्षेत्र था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड था, उसके अंदर उसने काफ़ी रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल यानी क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेशन किया था, यानी उनको शामिल किया था ताकि जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट, ताकि जो पूरी व्यवस्था है वो अधिक तर्क संगत और कुशल बन सके। यानी मोनार्ची सिस्टम एक तरीके से नेपोलियन ने दोबारा शुरू कर दिया था, लेकिन निसंदेह उसने ऐसे प्रशासन के अंदर ऐसे क्रांतिकारी सिद्धांत अपनाए थे जिससे कि जो पूरी व्यवस्था थी वो अधिक रेशनल होता है बेटा तर्क संगत, जो सही तरीका हो, एंड एफिशिएंट होता है कुशल, ठीक है। तो पूरी व्यवस्था जो है वो तर्कसंगत और कुशल बने। सिविल कोड ऑफ 1804 1804 की नागरिक संहिता है, सिविल कोड यूजुअली नोन एज नेपोलियन कोड, जिसको नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। 1804 में जो सिस्टम लागू किया गया ना उसको सिविल कोड 1804 कहा जाता है, और ये नेपोलियन के द्वारा स्टार्ट किया गया था इसलिए इसको नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन व्हाट, इसने उन सारे मतलब उन सभी विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया जो बाय बर्थ लोगों को मिलते थे। किनको मिलते थे? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स को मिलते थे। तो 1804 में जो पॉलिसी नेपोलियन ने बनाई ना, उसके अंदर इन सभी प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दिया गया। एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी को बराबर माना गया। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया।
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजमेंट था जो नेपोलियन के द्वारा किया गया था। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, नेपोलियन ने प्रशासन के विभाजन को मतलब सरल अपना बनाया, प्रशासन ने मतलब कि जो सबकी पावर जो थी ना वो बांट दिया, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो इजीली हो सके। एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, सामंती प्रथा को ख़त्म किया, एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज, और किसानों को भूदास्तव और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलवाई। फ्यूडल सिस्टम होता है बेटा सामंती, सामंती व्यवस्था को इसने ख़त्म किया था, और फ्रीड पीजेंट और किसानों को मुक्त करवाया था फ्रॉम सर्फडम। सर्फडम होता है बेटा भूदास्तव, यानी जमीन से संबंधित जो दास होते हैं, कि जैसे कि एक किसान हो गया, उसके पास खुद की ज़मीन नहीं है, तो वो दूसरे कोई बड़ा किसान है या ज़मींदार है उसके खेत में काम कर रहा है एक मजदूर के रूप में, कि भाई जैसे पैसा ले रखा हो, उसको रिटर्न नहीं कर पाया हो, ठीक है, तो वो होता है सर्फडम। एंड मेनोरियल ड्यूज क्या होता है बेटा, मैंने ये होते हैं जागीरदारी शुल्क, मतलब एक तरह का टैक्स, तो इनसे उनको मुक्त करवाया था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, जो ट्रांसपोर्ट था यानी जो यातायात था और जो संचार व्यवस्था थी, जो कम्युनिटी सिस्टम था उसको सुधारा था। बिजनेस एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स, यानी उद्योगपति बिजनेसमैन और जो थे और जो छोटे चीज़ों को जो प्रोडक्शन करते थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, इन पार्टिकुलर बिगन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ, उनके लिए एक समान कानून बनाया इसने। स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेज़र, मतलब मानक एक जैसा वेट होना चाहिए, कि एक किलोग्राम में 1000 होते तो 1000 ही रहेंगे, चाहे वो किसी भी पार्ट में चले जाओ, ये नहीं है कि यहाँ पे एक किलोग्राम में 1000 है, दूसरी जगह एक किलोग्राम में 800 ग्राम है, तीसरी जगह एक किलोग्राम में 500 है, ऐसा नहीं था, इक्वल था। स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेज़र पॉलिसी अपनाई थी इसने, पहले भी किया है हमने। एंड ए कॉमन नेशनल करेंसी, और एक राष्ट्रीय मुद्रा, यानी पूरे देश में एक ही तरह का पैसा, एक कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यानी मानक भार और नाप की एक राष्ट्रीय मुद्रा से, एक इलाके से, एक एरिया से दूसरे एरिया में चीज़ों की और पैसे की आने जाने में जो है वो सहूलियत हो, इसके लिए इसने ऐसा किया था। मतलब क्या था बेटा, मान लीजिए जैसे कि हर जगह पे अपना अपना करेंसी उन लोगों ने लगा रखी है, ठीक है, और एक जगह पे 1 kg में 800 ग्राम है, तो वो क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ से उसने 800 ले लिया, लेकिन दूसरी जगह पे 1 kg में 1200 है, तो उसको 200 और ऐड करना पड़ेगा, तो इससे क्या होता था, नुकसान ही होता था, और वहाँ किस कहीं की करेंसी कुछ थी, कहीं की करेंसी कुछ थी। तो इन सब को ख़त्म करके नेपोलियन ने क्या किया था, वेट और मेज़र जो है वो स्टैंडर्डाइज किया था, कॉमन नेशनल करेंसी चलवाई थी, जिसके द्वारा फैसिलिटी द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामान का एक जगह से दूसरी जगह पे लाना और उसका एक्सचेंज करना, एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, और जो पूंजी थी, जो पैसा था, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने, मतलब चेंज करने में आसानी हो, ठीक है। इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर, जैसे सच एज होलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड, होलैंड और स्विट्ज़रलैंड जैसी जगहों पर, ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वर्सोवा, फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, यानी हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, यानी कि जो ये आर्मीज, फ्रांसीसी आर्मी जहाँ पे पहुँच रही थी ना, वहाँ पे इनका बहुत अच्छे से वेलकम किया गया, कि ये हमें जो है फ्रीडम दी है इन लोगों ने, ठीक है। इट बिकेम क्लियर, ये मतलब बिल्कुल साफ हो गया कि न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि जो ये नई व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, ये डिड नॉट गो हैंड इन हैंड, ये मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं बदलेगी, राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में नहीं थी ये, कि ऐसा नहीं होगा कि आज इसके हाथ में है, दूसरे हाथ में है, मतलब ऐसा नहीं होगा, ये सेम रहेगी। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स कॉन्सिक्रिप्शन इन टू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर टू कॉन्क्वर द रेस्ट ऑफ यूरोप ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, यानी इंक्रीज टैक्सेशन, यानी बढ़े हुए कर, सेंसरशिप एंड फोर्स्ड कॉन्सिक्रिप्शन, और बाकी यूरोप को जीतने के लिए जो जबरन भर्ती, फोर्स कॉन्सिक्रिप्शन होता है बेटा जबरदस्ती सेना के अंदर भर्ती करना, इन टू द फ्रेंच आर्मी यानी फ्रांस की आर्मी में जबरदस्ती भर्ती करना, रिक्वायर्ड जो जरूरत थी द रेस्ट ऑफ द यूरोप
यानी जो जितना जो बाकी यूरोप था, बाकी यूरोप को जीतने के लिए जो फ्रेंच सेना में जबरदस्ती भर्ती से जो नुकसान हो रहा था, ऑल सीम टू आउटवी द एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। उन्होंने इनका जो नुकसान था वो प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फ़ायदों से कई ज़्यादा नज़र आने लगा। यानी कि ये मान लिया कि जो ज़बरदस्ती अगर भर्ती की जा रही है, टैक्स को बढ़ाया जा रहा है, सेंसरशिप है, इसको किस लिए किया जा रहा था? ताकि हम जो यूरोप के दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, जगह हैं, उनको जीत पाएँ। तो ये क्या मानना जाने लगा कि इनसे फ़ायदा कम है और नुकसान ज़्यादा है, ठीक है? तो इसीलिए जो है एक तरीके से इसको बंदी किया गया था। तो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे बेटा। टुमारो वी विल स्टार्ट द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की जो फीलिंग थी उसको हम स्टार्ट करेंगे। बेटा साथ साथ नोट्स बनाइए, एंड जो आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक है उसको लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़िए, ठीक है? अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।